नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक सोनी, कंसर्ट फ्लूट मेकर, जींद डिस्ट्रिक्ट हरियाणा से। आज मैं इस आदमी के बारे में एक वीडियो बनाने जा रहा हूं, जिसने ये लिखा है दीपक सोनी फ्लूट्स के बारे में, डार्क साइड ऑफ फ्लूट मेकर। इसका नाम तो है चिन्मय गौड़, लेकिन मैं इसको चिन्मय गौड़ नहीं, इसको चिन्मय चोर कहूँगा। ये चिंदी चोर है और ये दो मुंह का सांप है जो दोगली बात करता है इंटरनेट पे। इसने मेरा ये वीडियो 3 महीने पहले यहाँ पोस्ट किया था। मेरे कुछ कस्टमर के कहने पे मैंने इसको 2 बांसुरियाँ भेजी थी और इसने मेरी बांसुरियों का रिव्यू बनाया था। एक बांसुरी में मैंने किंग फिशर बर्ड जो होती है वैसे दिखने वाले धागे लगाए थे बांसुरी में, तो इसने बांसुरी का रिव्यू तो बहुत अच्छा दिया था, लेकिन इसने धागे पे कमेंट कर दिया था, तो वो बात मुझे अच्छी लगी नहीं। और मैंने इसको मैसेज करा कि भाई, मैंने धागे तेरी पसंद के तो पहली बात लगाए नहीं है, और मेरे पास 200 तरह के धागे हैं, 200 कलर के, जो तेरे बाप दादा ने भी जितने कलर नहीं देखे होंगे उससे ज़्यादा कलर तो मेरे पास है। तो मैंने तेरे को बांसुरी भेजी थी बांसुरी का रिव्यू करने के लिए, ना कि बांसुरी के धागे में नखरे निकालने के लिए। तो मैंने, इसने बांसुरी का रिव्यू तो अच्छा दिया था, बांसुरी को पास भी कर दिया कि दीपक सोनी की फ्लूट है, मैं पास करता हूँ कॉन्फिडेंटली, हो सकता है आप लोगों ने भी वीडियो देखे होंगे। तो मैंने इसको बोला कि भाई, मेरे पास 200 कलर के धागे हैं, मैं कुछ भी लगा सकता हूँ, अगर तेरे को धागे ही देखने थे भाई तो पहले बोल देता, मैं तेरी पसंद के लगा देता। तो उसके बाद इसने ये गोविंद फ्लूट का रिव्यू बनाया। इसने गोविंद से पूछा, ये गोविंद फ्लूट मेरा स्टूडेंट है, इसने पूछा कि भाई बांसुरी सीखी कहाँ से है, तो इसने बता दिया गोविंद फ्लूट ने कि मैंने दीपक सोनी से बनानी सीखी है। अब इस गोविंद फ्लूट के जो वीडियो के अंदर इसने बोला कि ऐसे किसी आदमी से बांसुरी बनाना सीखो जिसका बैकग्राउंड म्यूजिक का हो और पुराना म्यूजिक का बैकग्राउंड हो, तो मैंने इससे पूछा भैया फिर बताओ उस फ्लूट मेकर का क्या नाम है जो सालों से बांसुरी बना रहा हो और जिसको इतना एक्सपीरियंस हो कि उससे सीखने के बाद बांसुरी ख़राब ना बने, तो ऐसी कोई गारंटी ले रहा है क्या? तो इसने फ़ोन पे मेरा कोई जवाब नहीं दिया, एक औरत के पीछे छुप के बैठ जाता है, उसी के हाथ में फ़ोन पकड़ा रखा है इसने। मैं इसको 20 बार कॉल करके इसको पूछा कि बता दे भाई, वो तेरा कौन सा बाप है फ्लूट मेकर जो जिसकी तू बात इस वीडियो में कर रहा था, ठीक है? और मैंने साथ साथ ही, ये देखो ये महादेव फ्लूट, ये आपके नॉलेज में बता दूँ, ये मेरी कंपनी है और मैंने ये बांसुरी बनाकर भेजी थी, जिसने इसने ये इसका रिव्यू भी अपने चैनल पर लगा रखा है, ये मेरी बनाई बांसुरी है, ठीक है? ये इसने एक काना फ्लूट का रिव्यू किया था, ये इसका गुरु भाई काना फ्लूट वाला, इस बांसुरी के का गा स्वर, इस बांसुरी का गा स्वर 30 पॉइंट डाउन था, और जो मेरी बांसुरी का इसने रिव्यू किया था उसका रे स्वर 5 पॉइंट डाउन था। तो मैंने इससे ये बात ही पूछी कि भाई, इस बांसुरी का तो गा स्वर 30 पॉइंट डाउन था तो तूने इसको पास कर दिया, और मेरी बांसुरी का जो रे स्वर था वो 5 पॉइंट डाउन था, वो तेरी आँख में और जाने कहाँ कहाँ चुभ गया तेरे को, तो भैया इसका भी तू मेरे को ज़रा एक जवाब दे दे। तो इसने उस समय फ़ोन उठाना बंद कर दिया, कोई जवाब नहीं देता। ये क्या दलाल है, आपको दिखा दूँ, इसको आराम से देख लो, ये एक नंबर का दलाल है महंगी बांसुरी का। इसको महंगी महंगी कंपनियों की बांसुरी बेचने में अच्छी मोटी दलाली मिलती है, इसलिए ये ऐसे भ्रमित करने वाले वीडियो यूट्यूब पे डालता है। मैं तो कहता हूँ ऐसे चोर पाखंडी लोगों से सावधान रहें, ये आरामखोर मीठी छुरी है, ये कब आप लोगों का गला काट देगी पता नहीं चलेगा। तो बस ये संदेश जनहित में जारी करने के लिए मैं ये यूट्यूब पे वीडियो बना रहा हूँ। ये एक नंबर का पाखंडी, देखो इसकी एक्टिंग देखो, हर वीडियो के अंदर साला तरह तरह की एक्टिंग करता है।
इसको देखो, ये 5-7 लोगों ने तो इसको बांसुरी भेजी, अब उसके बाद लोगों ने इसको भेजनी बंद कर दी। जब से इसने मेरा ये वीडियो डाला ना, इसके बाद देख लो इसका साढ़े को एक भी आदमी ने इसको बांसुरी नहीं भेजी है। ये दो मुंह का सांप है साला, इसको ना बोलने का अकल है, ये अपना मीठी मीठी बात करके तो आपको यूट्यूब पे बेला फुसला लेगा, लेकिन है एक नंबर का चोर। इस वीडियो, ये जो वीडियो है ये वाला, इसमें इसने कहा था कि मैं दोनों बांसुरियाँ दीपक सोनी को वापस भेज रहा हूँ, लेकिन इस चोर ने आज तक मुझे ये दोनों बांसुरियाँ वापस नहीं भेजी है। मैं ऐसे आदमी के ऊपर थूकता हूँ साले के ऊपर, ये चिन्मय गौड़ नहीं, ये जिनमें चोर है। तो जनहित में जारी ये सूचना है, इस सूचना पर अमल करें और त्याग करें इस साले का। ये अपने आप को गुरुकुल से संबंधित और ये कौन से रूपक कुलकर्णी जी का अपने को शिष्य बताता है, ये मुझे तो लगता नहीं साला, ये पाखंडी रूपक जी का चेला होगा और होगा भी तो लालनत है इस साले के ऊपर। इसको, ये एक नंबर का चोर बेईमान आदमी है। धन्यवाद।